जय हिंद दोस्तों, ये श्री कृष्णा डेयरी सलाना गांव पड़ता खन्ना के पास में पंजाब में। राजेंद्र जी हैं जो इसको चलाते हैं। गाय भी ऐसी दिखाते हैं जो कम ही देखने को मिलती हैं। आज भी जो ये गाय लेके आए हैं वो तो पहले नंबर पे दिखा रहे हैं, मुकाबले वाली गाय है। आप भी ध्यान से देखना। नमस्कार। क्या नाम आपका? विनोद मीणा परवलिया। विनोद मीणा जी परवलिया, राजस्थान से? नहीं, हाँ भोपाल एमपी, मध्य प्रदेश से। जी, यहाँ आए पहली बार? हाँ। कैसे आ गए? आपके माध्यम से। हमारे माध्यम से? हाँ। ये पहली बार नहीं आए जी, दूसरी तीसरी? दूसरी तीसरी बार। एक बार और पहले ले गए। पहले भी आ चुके जी। कैसा रहा? बढ़िया। जितना बताया उतना ही रहा? बढ़ के आया। बढ़ के आया। कितना दूध बताया था? इन्हें बताया था 30-35 किलो। निकला कितना फिर? 40-42। कितना आ गया? तो इनका वहाँ विजिट करवा दो। जरूर जी। चलो, ये जो गाय घुमाई है जी, तो पहली भी आता? नहीं जी, सेकंड में चार दांत बच्चा दे रही है। दूसरी चार दांत था सेकंड में? सेकंड सेकंड में चार दांत सेकंड में भी आ जाती है? बहुत बढ़िया बढ़िया फार्म से, बहुत शानदार फार्म है जी। पूरा वेल मैनेज किया हुआ फार्म। ये कम ही देखने को मिलता बहुत है। कम, रियल कभी कभी होती है गाय ऐसी। कितनी उम्र होगी इसकी? लगभग 3.5 साल मान लो। अच्छा, क्या देखा आपने इस गाय में? गाय बड़ी है जी। हमने पापा जी को बोला ये दिला दो। कितना दाम लगा इसका? हमने तो 1 लाख रुपए बोला था। अच्छा, मिली कितने में? वो फिर हमारे बजट में आ गई 1.40। 1.40 में कितना देगी दूध? ये दूध देगी जी कम से कम इस बार 45 लीटर। पहली बार? दूसरी बार? दूसरी बार। पहले में कितना दिया होगा? 40 लीटर 42 लीटर तक दिया है पहले। ये फिर ऐसे ही कह देते हैं लोग कि देती नहीं इतना पहले में आता है। जिन्होंने गाय रखी नहीं, जिन्होंने रखते हैं जी गाय, वही उन्हीं को लेनी चाहिए ऐसी। नहीं, जिनको एक्सपीरियंस है। नहीं, बहुत लोग ये कहते हैं ना कि पहले आदमी इतना दे ही नहीं सकती। सर, दूध और पुत्र है ना, जो बेटा और दूध है, ये किस्मत से मिलता है। हर आदमी के बस का बात नहीं। मैं गाय दे सकता हूँ, किस्मत नहीं दे सकता। किस्मत तो भगवान ने देनी है। मैंने गाय अच्छी दे दी, अब इनकी किस्मत में दूध होगा तभी होगा ना। हर इंसान के अगर किस्मत में दूध लिखा हो तो डेरी ही डेरी हो जाए। सर, ब्याने के बारे में क्या बताया इसका आपने? क्या जी, कब तक ब्याना है? अब ले जाएगी 10-15 दिन की। 10-15 दिन ले जाएगी? 45 लग जाएगी। 1.40 की है जी। दूसरे में आते हैं चार दांत। इनको 14 लाख की दी है, 10 गए जी। 14 लाख? अच्छा, 1.40 की एवरेज तो बहुत दूध वाली है। सारी गए 40-50, बीच में 50 लीटर वाली भी आएगी। अच्छा जी, तो लाइए अगली देखते हैं। आपके पास पहले कितनी है वहाँ पे? 9 ले गए थे, 5 अभी। कब से कर रहे हैं ये काम? काफी दिन हो गए, छोटा मोटा। अच्छा, मतलब बड़ी गाय पहली बार रखने जा रहे हैं? हाँ, ये दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार बड़ी है, मतलब पूरी तरह ट्रेंड है? हाँ, ट्रेन बहुत बड़े डेयरी फार्मर है जी वहाँ के। अच्छा जी, तो कितनी गाय बताया आपने? अभी तो 5 ही गाय है घर पे। आपके पास? अच्छा, घर भैंसे हैं इनके पास ज्यादा, अभी रिप्लेस करेंगे भैंसों को। भैंसे कितनी है? भैंसे है 60-70। तो भैंसों के साथ में ये अब रखोगे? क्या कारण है इसका? ये दूध ज्यादा देती है। अच्छा, ले गए तो दूध बहुत दिया है। तो भैंसे कम करोगे? भैंसे कम करोगे। तो राजेंद्र, ये कितने दूध वाली है? ये देगी जी 50 लीटर इस बार। ये 50 वाली है, उससे ही बड़ी आ गई। ये तीसरी बार बच्चा देगी जी। हाँ, और 45-46 लीटर दूसरी बार निकाल चुकी है। अच्छा, तीसरी बार देगी। गाय की लंबाई देखी आपने, चौड़ाई लंबाई? तो आप 1.40 की दे दिए। हाँ, वैसे तो इसका रेट 2.5-2.5 लाख होना चाहिए मार्केट के हिसाब से। हाँ, कई लोग हैं वो इससे भी अधिक बेच देंगे। 2.5-2 लाख की तो हर कोई बेच रहा है। तो मैं 1.5 की लेके 2 की, 2.5 की बेच देते हैं। 2.5 की बेच देते हैं। ये पूछ के बाल क्यों काट देते हैं? वो थोड़ा ऐसा है, ठंडी में घुमाने में कहता गंदी ज्यादा नहीं होती, नहलाई रोज नहीं होती। अच्छा, तो एक उसको आसानी से घुमाने में आसान रहता है। बकरी बकरी अच्छा, एक मतलब इंश्योर करवाते नहीं है, बीमा नहीं करवाते हैं? क्या हर्ज है उसमें? नुकसान ऐसे ही है जी, लॉस हो जाएगा अगर गाय एक्सपायर कर जाए। बीमा अगर करवाएं तो क्या फायदा है? फायदा ही है जी, अगर बाई चांस कोई नुकसान होता है तो उसकी पूर्ति हो जाती तो है। ये बीमे वाले, आपको तो जानकारी होगी कि क्या क्या
किस बात पे मतलब कि बीमा देते हैं? खाली मरने का ही देते हैं इंडिया में तो। अच्छा, मरने का देते हैं। उसमें भी ऐसे तो होना चाहिए ये कि अगर गाय दूध नहीं दे रही है 2-3 महीना के बाद किसी वजह से ड्राई हो गई है तो उसका भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ ही गाय है, नहीं दूध है तो गाय नहीं है। कंडीशन ये लगनी चाहिए साथ में, अगर गाय का दूध बंद करके ही देना तो उसको क्लेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्लॉटर तो है नहीं कि गाय को स्लॉटर में जाना है। जैसे बच्चा गिरा देती है इसका भी, कोई भी बच्चा गिराने का तो मतलब मान लो तो एक साल का इंश्योरेंस होता है, लेकिन सिर्फ हमारे मौत का ही इंश्योरेंस है। मौत का ही है वो तो, उसमें किंतु परंतु नहीं करते, किंतु परंतु नहीं करते ये, उसमें तंग तो नहीं करते, कई बहानेबाजी कर देते हैं। आदमी सही है, आप सही काम कर रहे हो तो क्यों कैसे कर सकते हैं। अच्छा, करते हैं जब मान के चलो आपको 20 गाय का क्लेम है, 7 गाय आपकी एक्सपायर कर गई, उसके बाद करेंगे। अच्छा, 7-20 को खत्म करना चाहते हो साल के अंदर, तो उनको शक हो जाता है ना कि इतना लॉस नहीं होता। कितना होता है बीमा? बीमा 70,000 का करते हैं जी गवर्नमेंट, इस टाइम सारी कंपनियों को 70,000 तक अलाउड है। 70,000 कितनी उसकी जाती है वो किस्त? उसका 2,800 रुपया बनता है, ऐसे जीएसटी लगता है उस पर 1,800 रुपए जीएसटी लगता है ऊपर। अच्छा, 5,000 का हो जाता है, 3,200-3,300 रुपए लगता है, 3,200-3,300 रुपए का एक गाय। हाँ, फिर तो कोई ज्यादा नहीं, नहीं ज्यादा। बीमा करवाना चाहिए फिर तो, ये गाय बड़ी सस्ती होती है वैसे ही, तो इस बात पे गौर किया करो, तो ये 50 दे देगी है बिल्कुल बड़े आराम से। कितना समय मांगा इसने? ये ले जाएगी लगभग 35 दिन ले जाएगी। 35 दिन जी, 30-35 दिन ले जाएगी जी। तो सही मंडी में कितने की मिल जाएगी? मंडी में या किसी के फार्म से मिलेगी 2.5-3 लाख दूध रेडी वाली। अच्छा, या रेडी वाली या पूरे तैयार हुई हो एट टाइम हो के 10 दिन में 5 दिन में गाय ने बच्चा दे देना है, वो 2.5-3 लाख में मिलेगी। खाली मेरे पास जैसा बोला कि 1.40 की दे दी है मैंने, वो अकेली गाय 1.40-1.50 की नहीं आएगी, वो खाली दूध देगी 30-35 लीटर। ये गाय कितना दूध देगी आपके हिसाब से? ये 45 लीटर ब्रीड में जानते हैं पूरा? थोड़ा तो जानते हैं। अच्छा, राजेंद्र जी कितना देगी? 40+ दे देगी। 40+ देगी। ब्याज? ब्याज दूसरी बार जी। भल बहुत आई हुई है? आडर ही बना हुआ जी, भल नहीं है जी अभी इसके। अच्छा, बिल्कुल इतना ही आडर है। सूजन है कुछ? नहीं नहीं, सूजन नहीं है। कितना समय मांग रही है? बस रेडी है, 2-4 दिन लेगी, 5 दिन ले जाए, 4 दिन ले जाए। टाइम पे है। तो इसका दाम फिर? ये भी इसी रेट में दी है। 1.40 तो आपने दी है। हाँ जी। आप आपके ये बताओ कि मिलती कितने की? आप अपने अंदाज में बताओ कि कितने की होनी चाहिए? 2 लाख से ऊपर? नहीं, 2 लाख से तो अंदर लिया जी, हमने तो 1.70 के लिए थे। 1.70 के लिए? 1.70 के लिए जी। तो जितना दूध आप बता रहे हैं 40 लीटर 45 लीटर, अब ये तो अच्छा पहली बार मतलब ले जा रहे हैं, नए नए हैं? नहीं नए नहीं है जी, ये बढ़िया है, इनको मालूम है सारा। तो नहीं मतलब भैंस से इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। है तो क्या इनको दूध पे बनाए रखने के लिए क्या फीडिंग होनी चाहिए ये 50 लीटर वाली की? फीडिंग इनको बता दिया जी, 15 लीटर 3 टाइम की मिल्किंग करवा दिया। अच्छा। 3 टाइम मिल्किंग करेंगे, 15 किलो फीड डालेंगे, और इनके पास सबसे बड़ा सोयाबीन बड़ा है वहाँ पर। अच्छा, गाय से दूध लेना आसान है, सोयाबीन से फर्क रहता है? हाँ, खेती है तो सोयाबीन छोड़ने वाला बंदा लाख दा फोन है। 50-40 किलो कितना बढ़े हैं आप? नहीं, 10-20 ही बढ़े हैं, 40-50 ही कर रहे हैं। अच्छा, सोयाबीन कितना निकलाता है एक एकड़ में? 10-20, 8-20, 8 क्विंटल 10 क्विंटल आ जाता है। तो कितना दूध बढ़ जाता है सोयाबीन खिलाने से? आम अगर चारा देते हैं तो सर सोयाबीन से दूध तो बहुत बढ़ता है, जितना मर्जी बढ़ा लो तो गाय को हजम आ जाए। अगर फीड से कंपैरिजन करें तो ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इनके 7-8 किलो दूध फालतू ले सकते हैं ऐसे आराम से। 7-8 किलो जी। अब ये भी 1.40 में ली है? ये कितने की? ये अलग से सौदा कर रहे हैं। जो ये क्या मतलब, जो लॉट बना नहीं, 12 गाय तो हो गई तो सर 2 गाय ज्यादा ले रहे हैं, 10 ही ली थी पहले लॉट में। अच्छा, तो फिर 12 कर रहे हैं, 2 गाय और ले ली है बाद में। अच्छा, मैं बोल दूं 1.40 की तो लोगों का सिर फाड़ देंगे, आपको बोलेंगे 1.40 की हमको दिलाओ, कहाँ से दिलाओगे? ये तो आपका काम है। मेरा काम थोड़ा आपको फोन करके पूछेंगे, इन्होंने भी आपको पूछा था 2 साल पहले क्या हम कहाँ जाए गए लेने, तो आपने इसको बोला था कि सरदार जी के पास चले जाओ।
नहीं हम तो नहीं बोलते। अरे वो सामने बैठे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ इसे। सुन लो, वो को तो कहते हैं फोन ही उठाया। तो ये जो गाय इसका दाम फिर क्या लगाए? इसका दाम 3 लाख रुपया लगाया जी। हमारा ये ना बताना ही ना आप लोगों की ईमानदारी को पूरा करता है जी, कि जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही आप भी करोगे। बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी अपने जैसे पास ही जाएगा ना। तो जिसकी किस्मत हम जितने कोरे रहते हैं तो ये उतना ही आप पे विश्वास करते हैं। आप आदमी को कुछ भी बोल दो, जिसका जहां दाना पानी लिखा वहीं जाके चुगेगा, चाहे वहां कुछ भी हो, चाहे वहां उसको बहुत ज्यादा अच्छी चीज मिले चाहे बहुत बुरी मिले, दाना पानी उसको खींच के ले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत से ऐसे भी बंदे हैं आप ही के हमारे ही ग्रुप के जो गाय बेच रहे हैं, दिला रहे हैं मान के, चाहे उनको गाय का नहीं भी मालूम तब भी दिला रहे हैं। ये बातें कुछ छुपी थोड़ी ना रहती, फिर भी दाने पानी की बात है सर। जिसके किस्मत में जो लिखा है वो खाएगा, उसके क्यों बोल सक कौन बोल सकता कि इसके पास नहीं जाएगा। अनजान है, जब मन में कुछ कालापन है जी, तो वो कभी छुपा नहीं रहता है। जिसके मन में कालापन है ना उसका पता क्या प्रॉब्लम है, वो कमा लेगा लेकिन उसके काम नहीं आएगा, कमाया हुआ इधर उधर चला जाएगा। ये बात है जी। अब इसका दाम बताओ कितना है? 3 लाख रुपया दाम है जी इसका। 3 लाख रुपया कितना है? सही बता रहे, 3 लाख लगा दिया आपने? नहीं इन्होंने नहीं लगाया 3 लाख, मैंने तो 3.5 बोला था, इनको 3 लाख बोल दिया कि 3 लाख की ले जाओ। तो आप ले रहे नहीं ले रहे? बात चल रही है जी। कितने किलो है? हमारा तो मन हो रहा है कि देखते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। कितना नीचे वो करना चाहते हैं? देखो कितना करते हैं। बोलो मुंह से बोलो। अभी सौदा करवा दे। अभी सौदा करवा। कितना कितना कम करना चाहते हैं? बोल दो। हमारा तो पूछ लो। हमारा मन था 2 तक का। हाँ। जो पापा जी बोल रहे जी। 60 वाली है। गाय भी है जी, खाली मुंह से 60 वाली नहीं, गाय भी है। कितना वजूद भी कितना है? कितना जाएगा है? के लिए कोई रेट नहीं, इनको मैंने बता दिया सारा कुछ कि जैसे लेनी है ले लो, 3 लाख रुपया। वैसे तो हम 5-5.5 लाख मांग रहे थे इसका गाय, इनके आने से पहले। इन्होंने आते ही को सौदा नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ये गाय हमारे लिए बांध दो खाली, ये बात बोल के बाकी गाय। तब कितने की बोलूं इनको? जैसे मर्जी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे बोलते हैं मैं दे दूंगा, ये ले लेंगे, जैसे ये बोलते हैं कि मतलब मैं 20-20 हट जाऊं। नहीं क्यों हटना है जी, आप अपना शोभा ले सकते हो, आप भी सब बोल सकते हो इतने की दे दो मैं दे दूंगा। बोलो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने की लोगे? लो अब लो, क्या आप उनको कह रहे हो? उनको कह रहे हो तो क्या यहाँ ऐसा समझ के नहीं आए? हमने तो बोला था इनको गाय भेज दो, इनने कहा मिल जुड़ जाना ले जाना। ये 2-3 महीना से मेरे को बोले गाय भेज दो, हम पैसा भेज रहे हैं। मैंने बोला एक बार मिलके तो जाओ यार, साल हो गया। 60 की है। अच्छा मिलके नहीं है गाय अभी तक? नहीं पहली बार आए थे। अच्छा नहीं अभी बोल रहे थे कि गाय भेजो आप, हम पैसा भेज रहे हैं। मैं कहा नहीं जी, आप आओ भेंट वार्ता करो हमसे, खाली गाय का धंधा थोड़ा करना है, कोई 2-4-5 आदमी ऐसे होने चाहिए जिनसे प्रेम भी हो जाए। सभी से तो होता भी नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं 2-4-5 जिनसे बातचीत अच्छी होती रहती है। तो कोई बात बनी नहीं फिर? क्या उसका फैसला क्या होगा फिर? फैसला हो जाएगा जी, जैसे वो बोलेंगे गाड़ी में लोड कर देंगे। और क्या है? लोड कर देंगे। बिल्कुल बारे हमको बता दोगे? मैं कितने की बोलता? आप जैसे ना आपका मन करता आप भी बोल लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी नहीं कहेंगे कि नहीं लेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगा कि नहीं दूंगा, ये भी बात है। ऐसी कौन सी बात है? 60 लीटर दूध वाली है। बिल्कुल 58 लीटर दूध दे चुकी है जी। 58 दे चुकी जी, इस बार 60-62। ये इनको 50 ही बोला कि 50 लीटर आपके पास आराम से दूध दे देंगे। 240 की कोई बात नहीं जी, 240 की भी दे देंगे। मैं तो 100 रुपया भी इनको बोला ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोला है मैंने। ज्यादा नहीं जो और कम कर रहे तो कर दो तो अच्छा है। ये तो फिर गलत बात हो जाती हो गया। ब्रीड की पहचान बहुत बार बता चुके हैं जी, आज फिर बता दो। गाय की कमर सीधी हो जी, अच्छी हो, टांगे सीधी हो, कान छोटे हो, माथा अच्छा हो, बहुत 100 से भी ज्यादा करेक्टर है गाय का। इनको कुछ नहीं आंख से जा सकता। बाल भी एक एक बाल भी गिनती होता है, थन की क्वालिटी गिनती होती है। 100 आइटम मिला के गाय बनती है। संपूर्ण गाय अगर बनानी है तो 100 के 100 करेक्टर उसके सही होने चाहिए। 2-4 बातें नहीं है गाय के बारे में कि सीख ली हमने गाय बनी। हर गाय अलग अलग मैटर की होती है, हर करेक्टर अलग अलग होते हैं हर गाय का। HF ही होती है, ओरिजिनल होती है, प्योर भी होती है, उसको मिलान नहीं किया जा सकता। आज जो गाय आप दिखा रहे हो इसमें कंपेरिजन करना मुश्किल है।
तो आपस में कि कौन ज्यादा अच्छी ज्यादा अच्छी। तकरीबन 9-10 फीट गाय लंबी है। गाय की क्वालिटी दूध पे डिपेंड करती है? क्वालिटी पे दूध डिपेंड करता है, क्वालिटी पे दूध डिपेंड करता है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो गाय दुबली पतली भी रहेगी तो दूध बहुत दे देगी। अगर उसके कहने को मतलब है ना, ये खानदानी है चीज है, वो अगर मर भी रही है तो भी कुछ ना कुछ देके जाएगी। खानदानी इसीलिए बोलते हैं लोग, अगर पहले बोलते थे खानदान अच्छा होना चाहिए इंसान, ऐसे गाय का भी अगर खानदान अच्छा है। ये जो काली गाय दिखाई है जी, तो इसके बारे में क्या कहो, कौन सी मेहनत की है? ये दूसरी बार बच्चा दे रही है, दूसरी बार 6 दांत पे। हाँ जी, 6 दांत। हाँ, वो 38-40 के बीच में दूध दिया फर्स्ट में इसने। अच्छा, इस पर 45 का अंदाज लगाया हमने। मतलब सारी 40 से ऊपर, 40 के ऊपर है जी, कोई गाय 35 लीटर की नहीं है। जिसमें 50 की भी आ गई, दो दो तीन, एक अभी और दिखाएंगे आपको। अच्छा, तीन गाय कम से कम 50 लीटर दूध देंगे। तो आपके यहाँ दूध का क्या रेट है वहाँ पे? 32-35। तो रेट इतना, रेट तो 12 भी नहीं खाता दूध, खर्चा ही ज्यादा हो जाता है। नहीं, जमीन में से हो जाता है। तो महाराष्ट्र इनका खर्चा कम हो जाता है ना, महाराष्ट्र में तो और कम है। आपका तो अपना चारा है ना इसलिए? हाँ, चारा अपना है। अच्छा, ये बताओ कि जो डेयरी फार्मर है सक्सेस नहीं होते हैं जी, क्या कारण? बहुत से कारण चांस है उसमें, बहुत मुख्य कारण। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें पैसा बहुत है। जब काम हम शुरू करते हैं ना तो इसमें बहुत पैसा आता है, आता है। वही फेल होने का मुख्य कारण है। क्यों सर? एक आदमी डेयरी फार्मिंग वो करता है जिसके पास कोई काम नहीं होता पहले, ठीक बात, उसकी कोई अर्निंग नहीं होती, जीरो अर्निंग होती है, और सीधी वो लाखों में इनकम ले जाता है 10 गाय के बाद ही। जब वो लाख रुपया कमाने शुरू कर जाता है तो उसकी सोच इधर उधर बिखर जाती है, वो स्मूथ नहीं रहता, उसका बिजनेस माइंड नहीं होता। 99% लोगों का माइंड बिजनेस माइंड नहीं होता जो डेयरी में आते हैं, वो किसानी सोच के साथ ही करते हैं कि हमने काम चला लिया। जब बंपर पैसा आता है घर पे, मान के चलो कि इसने 30 गाय ले ली, तो आप क्या सोचते हो उसके पास कितना पैसा आएगा रोज? 30 गाय का 15,000 रुपया रोज का घर में गिरेगा। 500 रुपया तो एक गाय बचा के देगी ना, तो 15,000 रुपया बचेगा उसको रोज का, तो कितना हो गया 30 दिन का? 4.5 लाख हो गया। 4.5 लाख जिसको प्रॉफिट दिखेगा वो पहले दिन, उसको ये मेरा प्रॉफिट है। संभालेगा नहीं उसको, कैसे संभाल लेगा कोई आदमी जो जीरो से स्टार्ट हुआ, उसको 4.5 लाख एक महीने की इनकम हो जाए तो आप बोलते हो संभाल लेगा? 90% तो यही फेल हो जाते हैं। वो 4.5 लाख को फिर खर्चा करने की स्कीम ढूंढने शुरू कर देते हैं, डेयरी को छोड़ देते हैं, इधर उधर गाड़ी ले आ, ये कर, इसको कोई बिजनेस का माइंड नहीं है लोगों का। बिजनेस माइंड करके बिजनेस में आया आदमी, फिर आदमी इसमें कामयाब हो सकता। 30 गाय का मान के चलो, 500 रुपए तो कुछ ज्यादा नहीं है गाय का प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट तो गाय दे देती है। मैं 700-800 हजार नहीं गिनता, वैसे तो 1000 रुपया भी लोग लेके चलते हैं पंजाब में, तो 1000 रुपया भी बच जाता है गाय का। तो 500 रुपए इस हिसाब से 4.5 लाख हो गया। तो मैं तो यही इसीलिए बोलता हूँ कि ये बिजनेस, 2 और 2 कितने होते हैं आप बताओ? 4। लेकिन गाय में 2 और 2 22 होते हैं, सीधा 10 गुना बढ़ जाता है। गाय एक ऐसा बिजनेस है, अगर इसको अच्छे से आदमी के समझ से करे तो 2 और 2 22 ग्रांटेड होंगे। अभी इनकी 2 गाय ने बच्चे दिए, दोनों ने बछड़िया दे दी, हो गए 2-2 4, तो यहीं पे हो गए 4। अभी घर जाते जाते इसको 22 में बदलने में क्या लगेगा? एक साल में बछड़ी भी टीका लग जाएगा, गाय भी दोबारा जनने वाली हो जाएगी, तो 22 हो गए ना। खाली बातें करने 22 बनते हैं इस काम में, किस्मत साथ देती है। किस्मत तो सबसे बड़ी धनी किस्मत है जी, अगर किस्मत ना होती तो फिर क्या राम जी बनवास चले जाते। लाओ अगली, लाओ ये अगली आ रही है इंद्र जी, इसका ऑर्डर बहुत नीचे जा रहा है। लेकिन ये फर्स्ट में बच्चा दिया हुआ है, पुराने सीमनों की है? नहीं नहीं, नए सीमन की है सर, जब फिट हो जाएगा ना ऑर्डर। अभी थोड़ा टाइम है इसका, लगभग 1 मंथ के बाद। अच्छा, इसलिए खाली लग रहा है, जब भरेगा तो पीछे तक आ जाएगा बिल्कुल, तो नीचे ज्यादा नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, घुटने के ऊपर ही आएगा। कौन सी बात की है? ये दूसरी बारी बच्चा दे रही है। ये तो यार बहुत बुढ़ी लग रही है। हमको भी लगी थी पहले, इनको भी लगी थी, जब उसने रिकॉर्ड दिखाया फार्म वाले ने सारा, तब समझ आया। पहले में 42-43 लीटर। कितनी उम्र है इसकी? वो 4-4.5 साल। ब्याज निकाला है बिल्कुल। अब कितना दे देगी? अभी हमने तो उसके हिसाब से लगाया है कि 45-46 लीटर आराम से। अगर 45-42 भी दे दे तब भी बहुत है जी, बहुत इनके लिए।
इनके लिए 45 लेना, वहाँ इनको पता ये तो पहले बताते, हमने अधिक ले लिया दूध। हमें 5 लीटर इनको जितना बताया, अगले ने 5 लीटर कम बताया, किसी ने 40 बताया, तो ये 41 में बीच में लॉट ये लॉट में मतलब आपने कहा लॉट से बाहर दो है, वो एक बड़ी वाली दिखा दिया जी, एक और दिखा दिया। अच्छा वो दूसरा कारण नहीं बताया डेयरी फार्मर के फेल होने का, दूसरा कारण था, एक तो पहले ये बता दिया। दूसरा कारण मिसमैनेजमेंट हो जाती है उसके बाद, इसके साथ ही रिलेटेड है वो। अच्छा। जब आदमी के पास पैसा जाता है तो वो मैनेजमेंट करना छोड़ देता है, पैसे की तरफ देख लेता है, उसी में रिलेटेड आ गया, उसी के रिलेटेड आ गया। फिर वो 6-7 महीने में पैसा उड़ाता है इधर उधर, फिर गाय की तरफ देखता है, जब तक आके जब गाय दूध कम करना, 4.5 की जगह पर 3 लाख बचना है, फिर वो देखता है यार पैसा 1.5 लाख कम आया, कुछ मौसम चेंज हो जाता है, करवट ले लेता है, कुछ गाय की तरफ देखता तो गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है, खाली जब देखेगा नहीं तो गाय खाली रह जाएगी, खाली रह जाएगी तो फेल हो जाएगा। सबसे जरूरी है गाय का दूध, चाहे गाय कम दे, गाय का प्रेग्नेंट होना सबसे जरूरी है। गाय 45 लीटर दूध दे ना दे कोई बात नहीं, 30 ही दे दे, 35 ही दे दे बहुत, लेकिन प्रेग्नेंट जरूरी होना चाहिए। कामयाब होना है तो गाय को प्रेग्नेंट होना जरूरी। हाँ जी राजेंद्र जी, जी सर बड़ी मुश्किल का भी हुई है जी, देखने वाला बोलेगा आपने क्या देखा इस गाय में, क्या बढ़िया लगा। गाय के फर्क तो अच्छे हैं, पैर गर्दन मिल्क बैंड। कितना दूध देगी आपके हिसाब से? ये 40 किलो तो देना चाहिए। 40 किलो कितना बोला उन्होंने मालिक ने इसके? 40 ही बोला जी उन्होंने, 40-42 लीटर दिया है। ब्याह तो कम सी, ये दूसरी बार बच्चा दे रही है, दूसरी तीसरी, हमने तीसरी बोला था वहां पर, लेकिन गाय की जो फिटनेस है वो बता रही है कि वो वैसे दो ही बोल रहे थे जिनसे ली थी। अच्छा। हमने तीसरा मान के ली थी वहां से कि तीसरा ही है, ये तो चौथा भी बोल रहे थे कि हो सकता चौथा ही हो, लेकिन जैसा उसका अभी फिटनेस है, उसमें खून है, भाग दौड़ कर रही है, उसी हिसाब से लग रहा है कि दूसरे की 41 में जी। वैसे आई कितने की? अकेली कितने की ली थी? 1.85 1.85 जी। कंबली कोई दिखाई तो नहीं दी अब तक, फिर लौट कैसे बना रहे? बना देंगे सर, दो गायें बिल्कुल सस्ती है, मुझके 60,000 की ली है। अच्छा, दो ने जो है लौट नीचे ले। एक लोग ये कहते हैं ना कि कितने एक गाय कम से कम कितना दूध दे तो 12 खाएगी? 8,000 से प्लस दे दे तो 12 खाएगी, 8,000 लीटर से ऊपर जितना दूध देगी वो ज्यादा ही ज्यादा। अच्छा, मतलब 8,000 लीटर साल का दूध दे देता है, 8,000 लीटर दूध 3,20,000 का बनता है। हाँ। साल भर ठीक है, उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ। उसमें कम से कम हमको आधा खर्चा निकाल दो, वैसे तो 33% खर्चा निकलना चाहिए, आधा तो नहीं खा सकती गाय कैसे भी। नहीं, जब हम लोग दूध के ऊपर खर्चा लगाते हैं तो 19-20 रुपए लगाते हैं सर। गाय 40 लीटर दूध देगी तो 20 लीटर थोड़ा फीड खा जाएगी, 20 किलो फीड खा जाएगी उसमें। कितना खर्चा जाता है दूध पे आपके? मैं तो 33-40% ही गिनता हूँ। अच्छा, 33 से लेके 40% खर्चा आता है अधिक दूध देने वाली, चाहे थोड़ा दूध देगी तो खर्चा उसका कम हो जाएगा उतना, उतना खर्चा कम हो जाएगा। अगर गाय 20 किलो दूध दे रही तो फीड 5-6 किलो खाएगी। अच्छा, तो कैलकुलेशन तो वही चले जाने ना, मतलब दूध की रेशो भी तो डेयरी के कामयाबी का कारण है सर। अगर 200-300 गाय तो रेशो और होगी। अच्छा, अगर 20-30 गाय तो रेशो और होगी, अगर 50 का है इसके 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 पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। नहीं, आप जैसे मीडियम है। देखिए सर, या तो इस बिजनेस को पर गाय के हिसाब से प्रॉफिट ले सकते हैं। हाँ। या अकेली के लिए गाय का प्रॉफिट गिन सकते हैं। हाँ। ये अपने पे डिपेंड करता है ना, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर मान के चलो मेरे को पास 200 गाय, तो हर गाय में मेरे को 100 रुपए ही बच रहा है, तब भी मेरे को 20,000 रोज का बच रहा है। जैसे बड़ा हो जाएगा, जैसे बड़ा फार्म है मेरे पास 200 गाय हो गई, तो 100 रुपए आप मतलब 2.5 किलो दूध भी गाय का बच जाए, एक गाय का, सारी गाय का 2.5 किलो दूध ही बचाना ना। तो उसके लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए, फिर उसका भी इंटरेस्ट लगा लो सर। ऐसे तो सब कुछ चाहिए ना, इंटरेस्ट क्यों लगाना है कैपिटल का? 250-250 किलो दूध तो बचाना कोई मुश्किल नहीं है ना, 2.5 किलो दूध बचाना भी कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल के नहीं बचेगा। 100 गाय है तो 100 रुपया, 200 गाय है तो 100 रुपया पर गाय के हिसाब से 6 लाख रुपया प्रॉफिट बनता है। अब लोग बोलेंगे वीडियो देखने के बाद, भाई ऐसे कैसे प्रॉफिट बनता है, तो राजा बन जाएगा। लोग बनता है राजा, लोग 70-72 लाख रुपए बचता है बंदे 200 गायों में, सिर्फ 2.5 किलो दूध बचाना गाय का। अब 2.5 किलो दूध कैसे बचाना, ये तो उसको मेंटेन करना ना, कैसे करेगा वो 2.5 किलो का क्या मतलब कह रहे हैं? 100 रुपया प्रॉफिट है एक गाय का, 2.5 किलो दूध की कीमत 100 रुपया। अच्छा, 2.5 किलो लेना,
अगर 100 रुपया बचाना है तो कितने दूध का पैसा होगा वो? नहीं, अगर 100 रुपया प्रॉफिट लेना है मैंने तो कितना दूध बेचना पड़ेगा मेरे को? अब बताओ सर, 2-2.5 किलो ही बेचना पड़ेगा ना, 2.5 किलो केजी बेचूंगा ना, 40 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए का वही होगा। तो ये 100 रुपए का कलेक्शन यही है कि 2.5 किलो दूध एक गाय बचा दे तो 100 रुपए बच गया। चलो लॉग। हाँ जी राजेंद्र जी। हाँ जी, ये अभी भी आई है? अभी बच्चा क्या दिया? बछड़ी फीमेल का आप दिए? तो ये इनकी दो गाय बच्चा दिए, दोनों फीमेल दिए। पानी वो पिला रहा है, मना कर रहे हैं? ठंडा पानी फिर थोड़ा कम पिलाते हैं ना सर, ठंडी का टाइम है। क्या हो जाता है? थोड़ा गर्म शरीर ठंडा पड़ जाएगा, पानी पिएगी 50-60 किलो वो, कम से कम 70 किलो सर बॉडी ठंडा पड़ जाएगी, तो फिर उसको गर्म होने के लिए टाइम लगेगा, उसी टाइम में उसकी मैली गिरेगी। बात कर रहे थे उसी टाइम में उसका मैली गिरेगी, 2 घंटा उसको बॉडी गर्म करने में लग जाएंगे ठंडा पानी पी के। अच्छा, तो उसी टाइम में वो जेर गिराएगी 2 घंटा में, तो वो उसको अपने बॉडी को मेंटेन करेगी या जेर गिराने की तरफ जाएगी? अगर उसको गर्म पानी देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगी गाय, तो उसका माइंड रहेगा अपनी बॉडी को क्लियर रहेगी और मैली गिराने की तरफ माइंड रहेगा। इसकी कौन सी बात है? ये दूसरी बार बच्चा दिएगी। जी, दूसरी बार दिया था जी। कितना दे देगी तू? 40 लीटर 40 लीटर जी। तो दाम फिर इसका? ये भी लॉट में ही है? नहीं, लॉट से बाहर। लॉट में बाहर लगभग इतने की? इतने की। आपके यहाँ पर खर्चे कम पड़ते हैं पंजाब से ज्यादा पड़ते हैं? कम पड़ते हैं। कैसे? तूड़ी कम है, लेबर कॉस्ट कम है, दूध सप्लाई करने में कम खर्चा आता है। वो क्यों? नजदीक में दूध सप्लाई हो जाता है। नजदीक में हो जाता है। और ये जो दालें वगैरह है उसका छिलका उल्का मिल जाता है? वो भी कम भाव में मिलता है। कम भाव में मिल जाता है, इसलिए खर्चा कम होता है। इसलिए खर्चा कम है। दिखा रही है कुछ? ये बच्चा दिया है जी, कल परसों बच्चा दिया है इसने। क्या दिया इसने? फीमेल दी। इसने ही फीमेल दिया जी। इसको खाली किया हुआ सुबह लगभग 10-11 किलो 10-11 किलो तो था, 12-13 किलो दूध सुबह खाली, बिल्कुल खाली किया। अच्छा, बिल्कुल खाली कर? बिल्कुल खाली किया जी। अभी ऐसा नहीं है लोगों जैसा कि बाजार दूध रोक के रखा हुआ वीडियो बनाना है। कितने समय में पीक पे आ जाएगी? बस 4-5 दिन में आ जाएगी ये, कम से कम 30 लीटर पे। अच्छा, 4-5 उसके बाद ये खड़ी रहेगी 30 पे। 30 पे रहेगी? कभी 14 देगी टाइम का, कभी 15, कभी 13.5, फिर 15 दे दिया। इसकी ब्रांड कौन सी है? ये दूसरी बार बच्चा। ये भी 140 की? बिल्कुल। फिर ये ऐसे दूध देके फिर जब 1 महीना हो जाएगा फिर ये जाएगी 20-20 लीटर टाइम का भी लगभग दिन लग जाएगा। अच्छा, 1 महीने के बाद? इतना टाइम तो लग ही जाता है क्योंकि एक आध बार गाय को फीवर भी आ जाता है बीच में, वो यही बात है, तो खाली देखने वाली है। ये थोड़ा है कि मशीन जाके यहाँ से फिट कर दी वहां पर काम हो गया। तो कई बार हीट का इसका शो ही नहीं करती है, कैसे पता चल जाता है? तो सर एक पाउडर आता है नाइसल, वो खिलाओ गाय को 3 महीने के बाद, अगर नहीं हीट में आती है तो आ जाती है, उससे आ जाएगी। बहुत छोटी है ये भी? 140 में गई ना जी। हाँ, इसका 140 क्यों ली गई? कितना लिया इसका? जितना इन्होंने दे दिया ले लिया। कितना दिया? 60,000 70,000 की खरीद है मेरी गाय की। हाँ सही, हम भी मानते हैं, हम कहने वाले थे। पूछ लो, मैंने 70,000 ही बताया था इनको, ये बोलते हैं हमको कहां रिश्तेदार ये 10 के अलावा ही। ये 11 लॉट में कितनी थी? 10 ही थी जी। लॉट में 10 दी है, ये लॉट के बाहर की आ गई थी। ये 2 है 3? 2 जी 2। तो ये 60,000 की दी है जी। कितना दूध दे देगी? हमने तो 20-22 बोल के दिया, लेकिन करेक्टर अच्छे हैं, 25 के पार भी दे सकती है। ब्याह गई है? बच्चा दे दिया अभी, लगती भी नहीं है, ब्याह गई नहीं, बच्चा दे दिया। क्या दिया इसने? मेल दिया। इसने मेल दिया जी। अब इन्होंने गाय खरीदी जी, मन होता है चंचल, कहीं मन चलायमान हो जाए, किसी गाय को बदलने को कहे तो बदल दो। बिल्कुल, इनको मेरे पास यही नहीं है, कोई भी आदमी आता है तो उनको बोलते हैं कि जाते टाइम तक अगर कोई कलेक्शन में गलती हो जाए आपसे तो लास्ट टाइम तक आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, लास्ट टाइम तक ये मेरे पास जो गाय मेरे पास खड़ी होती है उसमें कोई भी गाय लेके अपनी गाय छोड़ सकते, क्योंकि मेरा ऐसा काम है जो बाहर से भी गाय दिलाते हैं वो कभी गलत गाय दिलाते नहीं ग्राहक को। अगर वो नहीं ले पाएगा रखे वाली तो बात नहीं करूं। मैं बेच सकता हूँ उसको, जब इनको दिला सकता हूँ वो गाय मैं क्यों नहीं ले सकता, पहले ये बताओ। आपको मैं चीज लेके दे सकता हूँ, तो वही चीज आप नहीं लेना चाहते तो मैं क्यों नहीं ले सकता भाई, उसमें क्या खोटा है? यही सबसे बड़ी बात है। इनको लेके दे सकते हो तो खुद भी ले सकते हो। मैं खुद भी ले सकता हूँ वही चीज। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों
और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।